हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ आर नॉलेज में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 6 यूनिक एनिमल्स इन द वर्ल्ड, 6 दुनिया के अनोखे जानवर के बारे में जिसको आपने ना देखा होगा और ना ही इसके बारे में सुना होगा। पूरी दुनिया में इसके बारे में बस 20% पॉपुलेशन को ही पता है, जिसमें इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शामिल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स नंबर 6। इस लिस्ट में छठा एनिमल सन बियर है। जब लोग भालू के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बड़े तेज और खतरनाक प्रकार के ध्रुवीय भालू, भूरा और काले भालू के बारे में सोचते हैं, लेकिन सन बियर के बारे में नहीं सोचते। सन बियर दुनिया का सबसे छोटा भालू है, जिसमें कई वयस्कों का वजन 100 पाउंड से कम होता है, लेकिन जो उनको असामान्य रूप से अलग करती है उनकी लंबी जीभ है, जिसकी लंबाई 9 इंच तक होती है। सन बियर शहद की खोज में पेड़ों पर चढ़ते हैं और अपनी लंबी जीभ से इसे चाटते हैं, और किसी भी भोजन के लिए वो अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल बहुत आसानी से करते हैं। सन बियर दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है और ये उष्णकटिबंधीय वन के वातावरण में बढ़ते हैं। सुमात्रा और बोर्नियो जैसे द्वीप इनके लिए अच्छा घर है। एनिमल नंबर 5, फोसा। फोसा एक बिल्ली की तरह दिखाई देने वाला जानवर है। इसके कान और सर बिल्ली की तरह है, जबकि यह नेवले परिवार का सदस्य है। इसकी लंबी पूंछ, जिसका इस्तेमाल वो भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ते समय पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए करता है। ये लोलैंड का बड़ा शिकारी है। ये रोडेंट और लेमूर का शिकार करता है। ये पठारों में रहता है। एनिमल नंबर 4, ए। इस नॉक्चुरल लेमूर की शारीरिक बनावट बहुत ही अनयूजुअल होती है और बड़े बड़े कान होते हैं और चूहे जैसे दांत होते हैं। ये पेड़ों पर कीड़ों का पता लगाने के लिए टक्कर मारते हैं और अपने बीच की उंगलियों से अपने दांतों में गड्ढा करते हैं, ताकि वो कीड़ों को निकाल और खा सके। इनका बिहेवियर वुडपीकर की तरह होता है और अपीयरेंस पिरामिड और रोडेंट की तरह है, और ये अजीब और प्यारे दिखते हैं। ये बड़े बड़े आंखों वाले जीवों को मडागास्कर में देखा जा सकता है। एनिमल नंबर 3, स्क्रू हॉर्न गॉट। इस जंगली बकरी को देखना आसान है, क्योंकि इसका सिर लंबा और कॉर्क स्क्रू के आकार का सिंग देखने में बहुत सुंदर होता है। ये आम बकरियों से मूर्ख लगती है। ये पर्वतों में रहते हैं, इसलिए इन्हें पर्वत स्थल में देखा जाता है। एनिमल नंबर 2, किंग कैजू। जिसे शहद भालू भी कहते हैं, ये दक्षिणी अमरीकी रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जानवर है। ये पेड़ों में एक जगह पर कब्जा करके रहते हैं। वे समूहों में घूमते हैं, सामाजिक सौंदर्य और संचार का आनंद लेते हैं, लेकिन उन्हें घने जंगलों में ढूंढना मुश्किल है। एनिमल नंबर 1, साइगा एंटीलोप। कजाकिस्तान के स्टेपी घास के मैदान में इन एंटीलोप की संख्या बढ़ रही है। साइगा एंटीलोप कुछ समय पहले दुर्लभ हो गए थे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने इनकी नस्लें उजाड़ दी। तब स्टेपे के मैदान में इनके शव बिखरे पड़े थे, लेकिन अभी ये जाति फिर से फल फूल रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है साइगा के सिंगों को बेचने के लिए इनका शिकार किया जाता है। साइगा के सिंग दक्षिणी पूर्वी एशिया के बाजारों में बेहद ही कीमती है और इनका इस्तेमाल दवाओं को बनाने में किया जाता है। आज के वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।